खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आर्थिक मोर्चे से बुरी खबर, जीडीपी घटकर 4.5 हो गई। पहली तिमाही में जीडीपी के आंकड़े 5 के लेवल पर थे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा, जीडीपी गिरने की वजह है मोदी सरकार की गलत नीतियां। इन नीतियों की वजह से कारोबारियों और निवेशकों में डर फैला है। संसद में गोडसे को देशभक्त कहने पर बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने 2 बार माफी मांगी। हंगामा कर रहे विपक्ष ने बिना शर्त माफी की मांग की थी। दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी की ड्रेस पहनकर प्रज्ञा का विरोध किया। लखनऊ में भी धरने पर कांग्रेस। प्रज्ञा ने पूछा, राहुल गांधी ने मुझे यानी एक महिला सांसद को आतंकी कैसे कह दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल से माफी की मांग की। अजहरुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कहा, सरकार साफ करे कि गोडसे कातिल है या देशभक्त। प्रज्ञा ठाकुर को आतंकी बताने वाले बयान पर राहुल गांधी अब भी कायम, कोई सफाई नहीं दी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी ने कहा, प्रज्ञा अगर यहां आई तो उनको जिंदा जला देंगे। कल महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का फ्लोर टेस्ट, परसों स्पीकर का चुनाव होगा। मुंबई में आरे पेड़ काटने के विवाद पर बड़ा फैसला, सीएम उद्धव ठाकरे ने रोक लगाई, मेट्रो शेड बनाने का काम हो रहा था। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला, उद्धव को बधाई देने के लिए भीड़ लगी। उद्धव सरकार के शपथ ग्रहण में शपथ लेते वक्त पार्टी नेताओं और परिवार का नाम लेने पर राज्यपाल ने जताई आपत्ति। शिवसेना के अखबार सामना में अब लिखा गया, मोदी ठाकरे भाई भाई, संघर्ष और लड़ाई जीवन का हिस्सा। नागपुर पुलिस ने फडणवीस को समन भेजा, चुनावी हलफनामे में 2 आपराधिक मामले छिपाने का आरोप है। पटना में शिक्षा मंत्री के घर के बाहर कुशवाहा की पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गुवाहाटी में महंगे प्याज पर कांग्रेस का प्रदर्शन, प्याज की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे विधायक। झारखंड में कल विधानसभा चुनाव के पहले दौर की वोटिंग होगी, 5 चरणों में वोटिंग, 23 दिसंबर को एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे। झारखंड के दुमका से जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने चुनावी पर्चा भरा, कल पहले दौर की वोटिंग होनी है। पंजाब के सीएम अमरिंदर ने पाकिस्तान के कबड्डी खिलाड़ियों को वीजा देने की सरकार से मांग की, अगले महीने होना है कबड्डी वर्ल्ड कप।